सर्वशक्तिमान बनने की जिद, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की चाहत और सुपर पावर अमेरिका से अदावत। रूस यूक्रेन जंग में एक साल से बारूदी बारिश हो रही है, लेकिन रूस के टारगेट पर है अमेरिका। वही अमेरिका जो यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार खुली धमकी दे चुके हैं। अमेरिका भी रूस और चीन से भिड़ने को पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि अमेरिका ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट समझा जा रहा है। आसमान से लेकर समंदर तक रूस और चीन की बढ़ती सामरिक ताकत को देखते हुए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यूरो एशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंगी हलचल के बीच रूस और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अपने F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों को वापस बुलाया है और अमेरिका अपने इन दोनों फाइटर जेट की जगह A-10 वॉरथॉक्स की तैनाती का प्लान बना रहा है। दरअसल जब से ब्लैक सी में रूसी फाइटर जेट और अमेरिका रीपर ड्रोन की भिड़ंत हुई है और इसके बाद अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर B-52H को रूस के सुखोई SU-35 फाइटर जेट ने बाल्टिक सागर के ऊपर से खदेड़ा है, तभी से अमेरिका तिल मिलाया हुआ है। सवाल है कि अमेरिका का ये कदम कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच अपने अटैकिंग एयरक्राफ्ट की तैनाती की खबरें दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ा रही है। अमेरिका अपने F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों को वापस बुलाकर जिस A-10 वॉरथॉक्स की तैनाती करने जा रहा है, उसकी खासियत की अगर बात की जाए तो A-10 थंडरबोल्ट सेकंड को वॉरथॉक या हॉक भी कहा जाता है। A-10 थंडरबोल्ट सेकंड एक सिंगल सीट ट्विन टर्बोफैन सबसोनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यानी USAF के लिए विकसित किया गया है। वैसे तो अटैकिंग एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की तुलना में धीमे होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक तोप, रॉकेट, मशीन गन और मिसाइलों से लैस होते हैं। A-10 बख्तरबंद वाहनों, टैंकों और दुश्मन पर ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। थंडरबोल्ट सेकंड की 30mm AJ गैटलिन गन एक मिनट में 3900 राउंड फायर कर सकती है। A-10 थंडरबोल्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जंग के दौरान जमीन के बेहद करीब उड़ान भरने में भी सक्षम है। युद्ध के मोर्चे पर A-10 थंडरबोल्ट दुश्मन पर बेहद नजदीक से हमला करके उसका पलक झपकते ही खात्मा करने की ताकत रखता है। वहीं अमेरिका मल्टीरोल F-16 फाइटिंग फाल्कन को और ज्यादा घातक बना रहा है। दुनिया का सबसे घातक माना जाने वाला F-16 फाइटर जेट तब सुर्खियों में आया था जब साल 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 से हवा में ही ढेर कर दिया था। इसके बाद से अमेरिका ने अपने इस फाइटर जेट को अपग्रेड करने का फैसला लिया। इस बीच रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ने अमेरिका तक खलबली मचा रखी है। दरअसल रूस ने नॉर्वे के पास अपनी सबमरीन को तैनात कर दिया है। ये पनडुब्बी नॉर्थ सी में गश्त करती दिखाई दी है और अब यूक्रेन जंग यूरोप के दूसरे देशों तक भी फैलती दिखाई दे रही है। रूस से सटे कई समुद्री इलाकों में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक और अब नॉर्थ सी में भी रूस ने अपने वॉर ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया है। नॉर्थ सी में अमेरिका से नॉर्वे तक गैस पाइपलाइन और संचार केबल बिछी हुई है, जिसे रूस काटना चाहता है। यही वजह है कि रूस अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक चक्रव्यूह तैयार कर अपने हर दुश्मन को सबक सिखाना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी इस जंग में अब एक्टिव हो चुका है।